हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 14 सितंबर आने वाला है और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हिंदी दिवस मनाते हैं, उस पर 10 लाइन्स ऑन हिंदी दिवस, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 10 लाइन में लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी दिवस पर। ठीक है, देखिए क्या है। फर्स्ट, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब देवनागरी लिपि में हिंदी लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, उसका लिपि अगर पूछा जाएगा तो कौन सा स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए आप सभी लोग, ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, मतलब इसी दिन हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा एक प्रकार से राष्ट्रीय भाषा कहा जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग मनाते हैं। ठीक है, द हिंदी लैंग्वेज इज स्पोकन बाई मिलियंस ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। ठीक है, द हिंदी लैंग्वेज इज स्पोकन मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, हिंदी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है, भारत देश में ऑन 14 सितंबर 1949 हिंदी लैंग्वेज वॉज कंसिडर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब 14 सितंबर 1949 को क्या मान लिया गया था कि यह भारत की नेशनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, इंडिया की कौन सी लैंग्वेज होगी, नेशनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, उसके बाद आज ये 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है 6 पॉइंट, द हिंदी एक्ट एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, जो प्राइमरी प्राथमिक मीडियम होना चाहिए हमारे बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का, वही हिंदी एक ऐसा भाषा है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी इज अबाउट 1000 ईयर ओल्ड, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी इज अबाउट 1000 ईयर ओल्ड, मतलब कि 1000 साल पुराना है लगभग। तो हिंदी का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना, मतलब लगभग 1000 साल पुराना है। ठीक है, वी ऑल शुड रेस्पेक्ट हिंदी लैंग्वेज, हम सभी को हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अगर हम लोग को आती है तो हिंदी का जो है सम्मान नहीं करना चाहिए, सभी भाषाओं का एक सम्मान करना चाहिए। सभी भाषाओं का एक कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक ऐसी चीज़ें होती जिससे हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ऑन दिस डे स्कूल कंडक्ट कंपटीशन फॉर किड्स, क्या करते हैं, आज ही के दिन बच्चों के लिए कंपटीशन किया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा पे स्पीच लिखिए, कुछ अच्छी बातें लिखिए, उसके बारे में स्पीच लिखने की प्रतियोगिता कराई जाती है स्कूल में। ठीक है, बच्चों के लिए 10वां पॉइंट क्या है, जो कि लास्ट पॉइंट है, सेलिब्रेटिंग हिंदी दिवस इज अ प्राउड डे फॉर इंडिया। ठीक है, हिंदी दिवस मनाना हमारे देश के लिए, हमारे भारतवासी को लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, बहुत ही गर्व की बात होती है। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी एक राष्ट्रीय स्तर की अच्छी भाषा है। ठीक है, जो कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 10 लाइन हमारा जो है कि कम्प्लीट हुआ। अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।